आपकी चाय पापा। उर्मी बेटा। जी पापा। बेटा हम जानते हैं सम्राट ने जिस तरह तुमसे बात की वो सही नहीं था, लेकिन बेटा उसकी बात को अपने दिल से मत लगाना। पापा हम समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर हमें सम्राट जी की बात का बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अब हम उन्हें समझने लगे हैं पापा, वो दिल के बुरे नहीं है, बस गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। आप हमारी फिक्र बिल्कुल मत कीजिए पापा, आप चाय पीजिए, हम नाश्ता बनाते हैं। कितनी भोली है उर्मी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अपने मन को बहला लिया उसने और खुश है। वो खुश इसलिए नहीं अंकल कि उसने खुद को बहला लिया, बल्कि खुश इसलिए है कि उसे लगता है कि कल जो भी हुआ उसमें सिर्फ सम्राट की गलती नहीं है। एक्चुअली अंकल जो दिवाकर भैया का जो हनीमून पैकेज है ना वो उर्मी ने देख लिया, तो वो सोच रही है कि सम्राट उसे हनीमून पे ले जा रहा है। उसे लगता है कि सम्राट उसके बारे में सोच रहा है, उसकी खुशियों के बारे में सोच रहा है। पर सच तो हम सब जानते हैं जी। ये क्या कह रहे हो बेटा? उसे नहीं पता कि इस हनीमून पैकेज का कोई मतलब ही नहीं है। जरा सोचिए अंकल, जब उसे यह पता चलेगा कि सम्राट कहीं नहीं जा रहा है तो उसे कैसा लगेगा? अब तक तो हर बात को नजरअंदाज करके वो खुश रहने की कोशिश करती थी, लेकिन इसके बाद तो खुद को बहलाने का बहाना भी छूट जाएगा उसे। ये तो उर्मी के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है बेटा। वही तो अंकल, आप सम्राट को किसी तरह समझाइए कि वो उर्मी को बाहर लेकर जाए, नहीं तो उस बेचारी को बहुत बुरा लगेगा। जी पापा। हाँ जी हाँ जी, सुन रहा हूं, बोलो ना। पर वो तो गोवा में पापा। ठीक है पापा, ठीक है, मैं गोवा जाऊंगा, वहां काम कर लूंगा। ठीक है ठीक है पापा, आप अपना ख्याल रखना। जी पापा का फोन था बेटा। जी अंकल, एक्चुअली वो चाहते हैं कि मैं गोवा जाऊं, एक जमीन की प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट करते हुए फिर मैं वापस आऊं। हमारी एक विनती है बेटा, वापस जाने से पहले तुम सम्राट को समझाकर उसे उर्मी को कहीं ले जाने के लिए मनाओ। तुम समझाओगे तो शायद वो समझे, तुम दोस्त हो उसके, तुम उसे समझा पाओगे बेटा। पर अंकल, हमारी बात वो कितनी सुनता है ये तो तुम अच्छी तरह से जान चुके हो। सम्राट मेरी बात कितनी सुनता है ये तो आप देख ही चुके हैं अंकल, और वैसे भी उसने बात करने के लिए छोड़ा क्या कि मैं उससे दोबारा बात करूं। कुछ भी हो तुम बचपन के दोस्त हो उसके, इतना सब कुछ होने के बाद भी इस दिशा में तुम ही कुछ कर सकते हो, जिद से इसरार से किसी भी तरह से उसे मना सकते हो बेटा। प्लीज बेटा, इस पूरे परिवार के लिए और उर्मी के लिए इतना भर तो कर दो बेटा, प्लीज। अरे 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 श्वेता, आहिस्ते आहिस्ते आहिस्ते, स्कूटी खरीदने की खुशी में मिठाई बांट रही हो तो क्या उसी रफ्तार में बांटोगी? हाँ बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो बेटा। श्वेता हो गया ना, आप सबको खिला दिया ना, चलो जल्दी से रखो चलते। सुनो बेटा, अभी तुमने अनु को भी तो लड्डू खिला दिया है, तो बाहर लेके जाने की क्या जरूरत है? काहे पैसा खर्चा करती हो बेटा? नहीं 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 प्लीज मम्मी, जाने दो ना, हमें इसकी गाड़ी पे बैठना है, प्लीज जाने दो, प्लीज जाने दो।
प्लीज आंटी जाने दीजिए, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलो रखो इसे, इससे पहले कि इनका मन बदल जाए। सुनिए। अच्छा अच्छा, आराम से आराम से। श्वेता, लाइसेंस तो है ना तुम्हारे पास? जी अंकल। ठीक है, तो आराम से जाना। और अनु, तुम कोई शरारत नहीं करोगी, और खबरदार जो तुमने गाड़ी चलाने की कोशिश भी की तो। डोंट वरी अंकल, जल्दी आने के लिए कहिए ना। हाँ हाँ माँ, जल्दी आ जाएंगे। चलो श्वेता, जल्दी चल। अनु बेटा जल्दी आ जाना। हाँ माँ, आ जाएंगे। वाह श्वेता, ये तो बहुत सुंदर है। चलो चलो जल्दी चलो। बैठो, संभल के बेटा। हाँ माँ, मुझे मेरी ट्रीट चाहिए, जल्दी चलो। तेज मत चलाना। हेलो, कितनी बार समझाया तुम्हें, हमारे मोबाइल पे फोन किया करो, लैंडलाइन पे नहीं। किसी दिन फंस जाएंगे हम। हाँ हाँ पता है, जैसा बताने की जरूरत नहीं। हाँ तो तुम्हारे कहने पे भेजे नहीं थे का? अब शादी की भागदौड़ में हमें मौका नहीं मिला तो। नहीं नहीं ऐसा मत कहो। अच्छा अच्छा, जल्द से जल्द पहुंचा देंगे पैसे, अब हमारा यकीन करो। हाँ हाँ हम कल ही पहुंचा देंगे तुम्हारे पैसे। हाँ हाँ हाँ, हम वहीं पहुंच जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो रखो फोन, कल हो जाएगा तुम्हारा पेमेंट। हाँ किसका फोन था माँ? किसको पैसे देने? उधार के पैसे। कहा बताएं बाबू, वो शादी में दो चार रिश्तेदार ज्यादा आ गए थे ना, तो उन्हीं के लाने सामान मंगाया था, बस यही पैसे देने थे, उसी का फोन आया था। अब ऐसे कह रहा है जैसे कि हम इसके पैसे लेके भागे जा रहे हैं, जे दुकानदार भी ना। असल में पैसे थोड़े ज्यादा है ना, बांटने के लिए सही, लेकिन बहुत बढ़िया क्वालिटी के सामान मंगाया था हमने, खुश हो गए थे सब देख के। कह दिया है हमने कल मिल जाएंगे तुम्हारे पैसे। हाँ माँ, हम जाकर खाना लगाते हैं, आप परेशान मत होइए। दीदी सो रही है, वो बाद में खाएंगी, आप आ जाइए। हाँ ठीक है। सुनो सुनो, वो सम्राट को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, भिखार में परेशान होगा, वो कहा है उसकी जान को तो वैसे ही छप्पन काम है। हा? जी माँ। जा तुम लोगों की गलतियों की वजह से मुझे आज उन दो कौड़ी के लोगों के सामने माफी मांगनी पड़ी, गिड़गिड़ाना पड़ा मुझे तुम्हारी वजह से। अपनी इज्जत की धज्जियां उड़वाने के लिए रखा तुम सबको। सॉरी सर। क्या सॉरी? सॉरी की जगह नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं गलती दोहराने का मौका देता हूं। एक घंटा तुम्हारे पास, अपना हिसाब करो और निकलो बाहर, और तुम और वो बेटर दोनों बाहर, चलो गेट आउट। सर मेरी फैमिली है। शट अप। एक घंटे में निकलो यहां से, नहीं तो थक्के मार के निकलवाऊंगा। चलो गेट आउट, गेट आउट, हटो यहां से। जाते हैं, प्रोफेशनल्स बनते हैं अपने आप को। हर वक्त अपनी एनर्जी वेस्ट करते रहते, हर वक्त चिल्लाना, घर में भी बाहर भी। क्यों भाई, अभी शांत भी रहते हो कि नहीं? ऐसे जाहिल लोग मिले हैं मुझे, शांति कैसे मिलेगी मुझे बताओ। अरे मिलते भी मुझे ही हैं, बड़ी थर्ड क्लास पीपल, कवार लोग, एक चीज हैंडल नहीं होती इनसे, क्या करूं बताओ, ऐसा काम करते हैं लोग। वैसे सुबह तुमने भी बहुत अच्छा काम नहीं किया था मेरे टिकट फाड़ के।
क्यों भाई, क्यों फाड़ी मेरे टिकट? तो क्या करता और तुम्हारे पांव पकड़ के गिड़गिड़ाता? ईशान मत जाओ प्लीज ईशान। क्या मुझे जो सही लगता है मैं वही करता हूँ, और मुझसे उम्मीदें भी मत रखना इन सब चीज़ों की। मैं तुम्हारे सामने आके रोऊंगा, दोस्ती की दुहाई दूंगा। देखो बॉस, मैं तुमसे कोई उम्मीद उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान गया हूँ। लेकिन कोई है तुम्हारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा जो तुमसे बहुत उम्मीद करता है। ठीक है, समझा तुमने, मैं उर्मी की बात कर रहा हूं। यार वो बहुत उम्मीद करती है तुमसे भाई, थोड़ा सा एफर्ट करो उसके लिए प्लीज। क्या हो गया अब यार, अब क्या हो गया है? क्या हो गया? अरे यार तुमने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, लेकिन फिर भी उस बेचारी ने अपने दिल को किसी तरह तो समझा लिया, और उल्टा मुझसे कह रही थी कि सम्राट जी दिल के बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े गुस्सैल, और ये कि वो हम दोनों की दोस्ती के बीच में नहीं आना चाहती। तो सही तो कह रही है, वेरी गुड, हर पत्नी को यही करना चाहिए, पत्नी धर्म उसका। वाह, और धर्म का ज्ञान दे रहे हो, उसका धर्म तो तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन एक पति का अपनी पत्नी के लिए क्या धर्म होता है ये भूल गए। तुम्हें पता है सम्राट, उर्मी ने दिवाकर भैया का दिया हुआ हनीमून पैकेज देख लिया है, और वो उम्मीद कर रही है कि तुम उसे हनीमून पे ले जाओगे। ये क्या बात हुई यार, पत्नी की उम्मीदें पूरी करने में मर्द धीरे धीरे गधा बन जाता है। नहीं 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 नहीं, तुम कोई गधे वधे नहीं बनने वाले हो, तुम घोड़े हो, घोड़े ही रहोगे। लेकिन यार तुमने इतना बुरा किया उसके साथ, लेकिन फिर भी वो तुम्हें गलत नहीं मान रही, सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं निकाल रही, मौसा मौसी की भी गलती दिख रही है उसे। अरे यार वो तुम पे भरोसा करती है कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो और उसे चाहते हो, तो थोड़ा एफर्ट तो तुम भी करो यार। हर पत्नी के कुछ सपने होते हैं, वो चाहती है कि उसका पति उसे हनीमून पे ले जाए, उसके साथ कुछ अच्छा टाइम स्पेंड करे। और यार दो चार दिन के लिए से उसे बाहर ले जाओ प्लीज। ईशान मैं, देखो यार सम्राट, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला, तुम्हें उसे ले जाना है तो ले जाना है। दो दिन बाद मैं जा रहा हूँ गोवा, तुम उसे लेके जाओ हिमाचल। कहाँ जा रहे तुम? गोवा। अरे यार तुम्हें बताना ही भूल गया, डैड का फोन आया था, गोवा में कुछ काम है प्रॉपर्टी का, उसे निपटाते मैं निकल जाऊंगा लंदन। और हम कहाँ जाएं? हिमाचल। यार बहुत अच्छी बर्फ पड़ रही होगी, बहुत रोमांटिक। सही है बेटा, तुम जाओ गोवा और हम जाएं देवभूमि हिमाचल तीर्थ करने। बहुत बर्फ पड़ रही होगी वहां पे, क्या करूंगा बर्फ में जाके, जम जाऊं? तुम मस्ती करो गोवा में, पता है मुझे बहुत रंगीन जगह है गोवा। काम करने जा रहा हूं। काम तो तुम करोगे, अब मैं भी तुम्हारे साथ गोवा जाऊंगा, अब मेरा हनीमून भी गोवा में ही मनेगा, मूनलाइट में। थैंक गॉड। अरे यार कहीं तो चलो तुम, गोवा ही सही, कम से कम उर्मी इसी बहाने हनीमून पे तो चली जाएगी, मैं भी हम तीनों की टिकट बुक कराता हूं। गोवा कॉलिंग। अब जल्दी से चलो श्वेता, वरना मम्मी ना परेशान हो जाएगी। अनु एक काम कर, वापस आते समय तू ट्राई कर, बड़ा मजा आएगा। नहीं नहीं श्वेता, हमें अच्छे से नहीं आती, हम नहीं चला पाएंगे। अरे अनु साइकिल तो चलानी आती है ना, बस उसी की तरह इसका हैंडल संभालना है, और कुछ भी नहीं, चल बैठ। नहीं छोड़ना, रहने दे। अरे बाबा अनु मैंने कहा ना मैं हूँ, चल बैठ। पक्का? हाँ बाबा पक्का, चल बैठ। और एक बात का ध्यान रखना, हाँ। अगर कुछ भी होता है तो सिर्फ इसका ब्रेक दबाना, ओके? ठीक है। All the best. Thank you. ईशान जी, ईशान जी,
अनु यहाँ क्या कर रही हो? मरने के लिए मेरी ही गाड़ी मिली है। अरे जब गाड़ी चलाना नहीं आती तो इस घोड़े को सड़क पर लेकर कौन जाती हो? अनु ट्राई करो प्लीज थोड़ा सा। अरे रोड पर बवाल लेकर चलते हैं, अपने आप को होशियार समझने की कोशिश करते हैं। आप गाड़ी पीछे करिए प्लीज। पैसा है तो कहीं और उड़ाइए, हमारी गाड़ी के आगे क्यों? आपको समझ नहीं आता क्या? लड़की गाड़ी में फंसी है और आप लेक्चरबाजी में बिजी हैं। पहले गाड़ी पीछे करिए फिर बात करेंगे। पहले मुझको गाड़ी देखने दीजिए, इतना नुकसान हुआ है। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये क्या गुंडा कर दिया आपकी? रुकिए, आप मेरे सामने मेरी गाड़ी में बैठ गए, ये क्या तरीका भाई? अकल से पैदल है क्या आप? दिखता नहीं लड़की वहां गिरी पड़ी है? तरीके की बात कर रहे हैं। अनु तुम ठीक हो ना? तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, अभी हॉस्पिटल जाएंगे सब ठीक हो जाएगा। बस 2 मिनट में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे ना, तुम बिल्कुल परेशान मत होना। ओके आराम से, आराम से पैर संभाल के। तुम कंफर्टेबल हो? हेलो, एक्सीडेंट? अरे मैं हॉस्पिटल में हूं यार, फंसा हूं यहां पर, समझिए आप बात को। मुझे पैर में ठीक हो जाएगा कुछ दिनों में, बस इतना ध्यान देना चलना फिरना कम करना, ठीक है? बाकी और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी दवाइयाँ सर लिख देंगे, आप ले लीजिएगा। थैंक यू सिस्टर। यू आर वेलकम। देखा कुछ नहीं। अनु क्या हुआ तुम्हें? अनु कैसी हो तुम? कहाँ चोट लगी? अनु तुम कैसी हो? दीदी दीदी घबराइए नहीं, हम ठीक है, हल्की सी चोट है और कुछ नहीं। उर्मी डरो मत, अनुष्का बिल्कुल ठीक है। हाँ दीदी देखो बस इतना सा ही, और कुछ नहीं हुआ है हमें, मत रो बैठो। क्या करती हो तुम्हें? किसने कहा था तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए? बहुत ज्यादा शैतान हो गई हो तुम अनु, सिर्फ अपनी मनमर्जी करती हो, किसी की सुनती नहीं हो तुम। तो
तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो क्या होता? दीदी गलती मेरी है, मैंने फोर्स किया अनु को चलाने के लिए, ये तो मना कर रही थी। दीदी सॉरी। अरे डोंट वरी उर्मी, मैं था ना वहां पे, मेरे होते हुए कुछ हो ही नहीं सकता था अनु को, और शायद भगवान ने मुझे भेजा ही था उसलिए वहां पे। थैंक गॉड ईशान जी आप साथ में थे, नहीं तो हमारी अनु का क्या होता? मैंने बोला ना पेमेंट मत करना, मैं आके करूंगा। आ रखो फोन। ठीक तो है, अच्छी खासी बेटी दिख रही है मुझे। अच्छा यानी आपने ये सोचा था कि हम अपने हाथ पैर तुड़वा कर यहाँ बेहोश पड़े होंगे? चुप रहोगी तुम, बेकार बात मुंह से निकालती हो, पगली कहेंगी। भाई खबर तो मुझे ऐसी ही मिली थी कि जल्दी आई है, अनुष्का का एक्सीडेंट हो गया है, बहुत बुरी चोट लगी है। अब क्या सोचेगा आदमी मुझे बताओ? यही सोचेगा ना कि बाहर घर वाले भगवान भगवान कर रहे होंगे, अंदर ऑपरेशन चल रहा होगा।